हेलो फ्रेंड्स खुशी नेटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज हम इस फ्लावर से एक कार्डिगन बनाना सीखेंगे कि वो हम किस तरह से बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स इस फ्लावर के साथ हम जो पैटर्न हमने डाला है कार्डिगन में उससे हम शॉल बनाते हैं तो शॉल भी बहुत ही प्यारा बनता है और गर्ल्स टॉप भी बहुत ही प्यारा बनता है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए हमने इसमें आर्म होल की लंबाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर देखिए हमने इसमें टोटल कितने राउंड बनाए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह राउंड बनाकर हमने इसे कंप्लीट किया है और यहाँ पर सत्रह पैटर्न हमारे देखिए जो हमने ये फ्लावर बनाए थे ये दो फ्लावर की रो हमने बनाई थी इससे अलग हमारे देखिए एक दो तीन फ्लावर में हमारे ये सत्रह पैटर्न बनकर आए हैं सत्रह रो हमने बनाई है और बाकी के बचे हुए तीन में हम इसमें आर्म होल बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे आर्म होल तो इसके लिए पहले हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन चेन बनाई है और यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर ये यह, हमने तीन चेन बनाकर यहाँ पर ज्वाइंट किया था तो यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे अब हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे एक दो टर्न करेंगे धागा लेंगे और हम यहाँ पर वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन और वन डबल क्रोशिया एक दो तीन चेन बनाई है फिर से बनाएंगे फिर से एक दो तीन एक चेन लेंगे फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया तो यहाँ पर देखिए हमने तीन बना लिया है एक दो तीन अब हम देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है अब हम यहीं से टर्न करेंगे हमने तीन पैटर्न लिए हैं तीन भी अब हम यहाँ पर दोबारा बनाएंगे एक दो तीन और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया वन चेन और वन डबल क्रोशिया अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो वी दो हमने चेन बनाई है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे एक दो और फिर हम यहाँ वी के ऊपर वी बनाएंगे फिर से एक दो और फिर हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे फिर एक दो और हम इस वी के अंदर वी बनाएंगे वन चेन लेंगे और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे दो चेन के साथ यहाँ पर जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी यहाँ पर हमने जॉइंट किया इस तरह से बन गया अब फिर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और हम यहाँ पर इसे बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन सॉरी दो चेन लेंगे टर्न करेंगे और फिर से हम यहाँ पर वी के ऊपर हम वी बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था पैटर्न सेम वैसे ही बनाएंगे एक दो तीन फिर बनाएंगे एक चेन एक दो तीन और फिर हम वी बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए ये तीन की चेन है हमारी यहाँ पर हम डबल क्रोशिया तो देखिए इसी तरह से इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर देखिए एंड तक बना लेंगे यहाँ तक हम बनाकर कंप्लीट करेंगे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है और सेम ऐसे ही हम ये तीन पैटर्न बनाते हुए हार्म होल की लंबाई कंप्लीट करेंगे देखिए आर्म होल की लंबाई हमारे बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हमने देखिए इस तरह से बना है और यहाँ पर हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हुए हैं और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है अब हम इसमें देखिए आगे से बनाएंगे जिससे हमारे गले की कटिंग होगी तो वो किस तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं देखिए उससे पहले मैंने एक साइड का बनाकर कंप्लीट किया है देखिए ये मैंने एक साइड का बनाकर कंप्लीट किया हुआ है और देखिए इस तरह से हमारी गले की शेप आएगी तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं हमारा फ्रंट का पार्ट है तो यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे एक दो तीन चार तीन चेन हमने डबल क्रोशिया की एक हमने गैपिंग के लिए तो चार चेन बनाई है अब हम यहाँ पर वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया तो ये हमारी एक वी हो गई अब हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों फ्लार के बीच में जो ये हमने दो की चेन बनाई थी यहाँ पर हम वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे फिर हम देखिए यहाँ पर वी बनाएंगे यहाँ पर हम वी बनाएंगे डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर से तीन चेन लेंगे एक दो तीन धागा लेंगे अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाएंगे वी बनानी है वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया एक दो तीन चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर वी बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया तो देखिए इस तरह से इस तरह से बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक आएंगे, ये देखिए जहाँ पर हमने ये दो फ्लावर है, ये दो फ्लावर हमें छोड़ने हैं और यहाँ तक हम बना कर लेकर आएंगे। देखिए रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है हमने यहाँ पर हर एक इसमें वी बना लिया है और अब हम देखिए यहाँ पर आ गए हैं ये दो पैटर्न हमारे रहते हैं जो हमारे दो फ्लावर हैं वो रहते हैं तो यहाँ पर ये हमने स्किप किया है और यहाँ पर देखिए उससे पहले ये देखिए एक दो।, दो फ्लावर जहां पर अटैच हुए हैं वहां पर देखिए मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया है एक चेन ली है फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे इसे हम इसी तरह से होल्ड रखेंगे अब हम दो बार धागा लेंगे देखिए मैंने दो बार बल ले लिया है अब देखिए यहाँ पर हमें वी बनानी थी वी नहीं बनाएंगे यहाँ पर हम सिंपल इस तरह से देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ये तीन बार हो गया एक बार फिर इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से बना लिया है अब हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन ली है इसे हम टर्न करेंगे देखिए अब यहाँ पर पांच चेन लेने के बाद धागा लेंगे और हम यहाँ पर कुछ नहीं बनाएंगे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बनाया है फिर हम एक दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से एक दो और फिर हम वी के ऊपर वी बनाएंगे तो रो बनाते हुए इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से जैसे हमने ये बनाया सेम ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे और फिर हम नेक्स्ट राउंड में वी बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक आएंगे ये हमने यहाँ पर पांच चेन ली है इससे पीछे हम यहाँ तक बनाएंगे तो बना लेते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर हमने ये देखिए पाँच चेन बनाई थी अब हम पहले एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इससे पहले वाली वी में देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया एक चेन लेंगे और अब देखिए यहाँ पर हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया इसे कंप्लीट नहीं करेंगे फिर धागा लेंगे दो बार बल लिया है और यहाँ पर देखिए हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे पहले दो धागों में से निकालेंगे फिर से दो धागों में से निकालेंगे और अब इन तीनों को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे फिर हम पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच टर्न करेंगे और फिर से हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम कुछ नहीं बनाएंगे नेक्स्ट में हम बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे दो चेन बनाएंगे और हम यहाँ पर वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से इस तरह से बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे फिर हम दूसरी साइड से आएंगे बनाते हुए और ये जो हमने पांच चेन बनाई है इससे ये वाली चेन हम छोड़ देंगे भी और यहाँ तक हम बनाकर कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस तरह से देखिए ये हमारा गले में शेप आनी स्टार्ट हो गई है ये देखिए इस तरह से तो हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है अब हम यहाँ पर बनाएंगे पहले हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चेन लेंगे पहले एक दो तीन और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन और फिर हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया अब देखिए दो बार बल लेंगे और यहाँ पर जो ये हमारा डबल क्रोश ये वी है हमारी यहां पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार बल निकाला फिर से दो में से निकाला अब यहां पर हमारे पास तीन है तीनों में हम एक साथ बनाएंगे अब एक दो तीन चार पाँच पाँच हमने चेन ली है टर्न करेंगे देखिए फिर से हम धागा लेंगे और हम यहां पर बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया एक दो सिंगल क्रोशिया करेंगे ये हमारी लास्ट रो है इसमें फिर इसके बाद हम और गला नहीं घटाएंगे तो ये हमारा ऐसे ही बनेगा इसी तरह से बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से रो कंप्लीट कर लेते हैं देखिए राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हमने गले में छः राउंड बनाए हैं एक दो तीन चार पाँच और छः छः राउंड हमने टोटल इसमें बनाए हैं अगर हम इसमें देखिए आपको सही समझ में नहीं आया है तो एक बार और मैं काउंट करके दिखा देती हूँ इसमें देखिए पहले रो में हमने इसमें बनाए थे वी बनाए थे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह अट्ठारह वी बनाने के बाद हमने ये यहाँ पर देखिए ये हमारी अट्ठारह वी है इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाया फिर हमें यहाँ पर वी बनाना था लेकिन हमने यहाँ पर वी नहीं बनाया है यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है अट्ठारह वी बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसके बाद हमने फिर इसमें ये वी बनाने के बाद फिर हमने इसमें पांच चेन बनाई है ये पांच चेन है फिर हमने इसमें टर्न किया इसके बाद देखिए पांच चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर सत्रह वी बनाई है सत्रह वी बनाने के बाद फिर हम राउंड कंप्लीट करके आए तो हमने यहाँ पर देखिए ये हमने सोलह वी बनाई है सोलह वी है ये हमारी यहाँ से हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह सोलह वी बनाई है और फिर हमने यहाँ पर जो ये सत्तरवीं वी थी इसके ऊपर हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाया फिर हमने पांच चेन बनाई है और फिर हमने नेक्स्ट में हमने वी बनाई इसी तरह से हमारी एक एक वी कम कम हुई है और लास्ट में हमारे पास देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह वी बची है अट्ठारह में से तेरह वी हमारे पास बची है बाकी की हमने देखिए इसी तरह से कम की है जिससे कि देखिए ये हमारे गले की कितनी प्यारी शेप बनकर आई है इसी तरह से हमने पहला पार्ट भी बनाया था और दूसरा भी हमने सेम ऐसे ही बनाया है अब हम देखिए इसमें बैक का पार्ट बनाएंगे और मुड्ढे जोड़ना सीखेंगे कि वो किस तरह से जो जॉइंट करेंगे देखिए बैक के पार्ट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम दो पैटर्न स्किप करेंगे एक दो और थर्ड में हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे दो पैटर्न स्किप करने के बाद देखिए हम यहाँ पर जो यहाँ पर हमारी ये दो चेन बनाई थी यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे एक दो तीन तीन चेन ली हैं अब हम वी के अंदर वी बनाएंगे ये साइड में हमने डबल क्रोशिया बनाया जो तीन चेन ली थी उसका हमने डबल क्रोशिया बना लिया तो अब हम यहाँ पर ये यह देखिए इस तरह से वी बनाई अब हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन और फिर हम यहाँ पर वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर से तीन चेन लेंगे और हम यहाँ पर वी बनाएंगे तो हम यहाँ पर इस तरह से वी बनाते हुए यहाँ पर आएंगे एंड में जहाँ पर हम यहाँ पर ये यह दो चे वी छोड़ देंगे और यहाँ तक हम बनाकर कंप्लीट करेंगे देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं यहाँ पर हमारी ये दो वी बची हैं इन्हें हम स्किप करेंगे और इससे पहले देखिए हम यहाँ पर धागा लेंगे और यहाँ पर साथ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चेन लेंगे टर्न करेंगे फिर हम वी के ऊपर हम वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया अब देखिए फिर से दो चेन लेंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर से दो चेन लेंगे और हम यहाँ पर वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर से दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे दो चेन लेंगे और फिर हम वी के ऊपर हम वी बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे और देखिए सेम ऐसे ही बनाएंगे पैटर्न और बनाते हुए हम इसकी सत्रह रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे अब हम ये सेकेंड रो पे हैं और पंद्रह रो और बनाएंगे ऐसे ही तो हम ये लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं देखिए रो हमारी ये बनकर कंप्लीट हो चुकी है और बैक का पार्ट भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है अब हम दोनों फ्रंट के पार्ट को देखिए इस तरह से रखेंगे देखिए ये जो हमारा बैक का है ये हमारा सीधा रहेगा और जो हमारे ये फ्रंट के हैं इन्हें हम बैक का उल्टा रखेंगे और उल्टे के साथ हम इसे जॉइंट करेंगे देखिए इस तरह से तो जॉइंट करेंगे देखिए पहले हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये यह देखिए हमने जो तीन चेन बनाई है इसके अंदर हम थर्ड चेन के अंदर इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे फिर हम देखिए ये हमारा डबल क्रोश का वी है वी का पहला डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी ये देखिए हमारे वी का पहला डबल क्रोशिया है इस चेन के अंदर हम डालेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर हम सेकेंड डबल क्रोशिया है देखिए ये वाला इसकी चेन में डालेंगे और फिर हम दूसरी वी के डबल क्रोशिया के अंदर डालेंगे और फिर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर यहाँ पर ये देखिए हमने दो चेन बनाई थी इन दोनों चेन को लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर हम ये नेक्स्ट वी आ गई है इस वी के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया है वी का इनके अंदर इस तरह से बनाते हुए हम इसे यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे जहाँ तक ये देखिए हमारा फ्लावर का है इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं देखिए ये यह हमने यहाँ तक ज्वाइंट कर लिया है जो ये हमारे तीन वी थे अब हम फ्लावर को अटैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो इसमें हमने चार डबल क्रोशिया बनाया था हर चेन के साथ एक एक डबल क्रोशिया के साथ हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ फिर ये हमारा थर्ड है और थर्ड में हम चेन के अंदर जो ये दो चेन ली थी इस चेन के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया फिर ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया है फोर्थ डबल क्रोशिया में देखिए हमने जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया किया था इस चेन के साथ इसे हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे फिर हम देखिए फिर हम इस डबल क्रोशिया को इस तरह से चेन के साथ सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर हम वी के साथ देखिए इस तरह से हर एक चेन के साथ हम एक एक डबल क्रोशिया को ज्वाइंट करेंगे अब ये देखिए हमारी ये जो हमने चेन ली थी पांच चेन इसके हम इस तरह से इसके साथ इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर हम एक चेन लेंगे देखिए इस तरह से ये हमारा ज्वाइंट हो गया है अब हम यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे और देखिए इस तरह से ये हमारा ज्वाइंट हुआ तो यहाँ पे धागा कट करेंगे और फिर हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से बनाते हुए इसे जॉइंट करेंगे देखिए आर्म हॉल हमने इसके ज्वाइंट किए हैं और देखिए ज्वाइंट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है अब हम इसमें थोड़ा सा नीचे बनाएंगे जिससे कि इसकी लेंथ लंबी हो जाएगी आपको जितना भी लंबा रखना है आप उसे इतना ही लंबा बनाइएगा अब देखिए हम इसमें यहाँ पर भी पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था छः रो हमने यहाँ पर बनाई थी और छः ही रो हम यहाँ पर बनाएंगे और इसकी लेंथ हम लंबी करेंगे तो देखिए गला हमारा कितना प्यारा बनकर आया है देखिए इस तरह से हमारा गला बना है तो चलिए आगे बनाते हैं देखिए यहाँ पर हम बैक साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम एक दो तीन तीन चेन ली है फिर हम इसमें एक चेन और लेंगे गैपिंग के लिए धागा लेंगे और ये जो हमारा वी का डबल क्रोशिया इसके अंदर हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारी एक वी बन गई फिर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बनाई है धागा लेंगे एक वी को हम छोड़ देंगे ये वाली वी है इसे हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट वी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन धागा लेंगे और हम फिर से यहाँ पर एक वी को छोड़ेंगे देखिए इस वाले वी को छोड़ेंगे और नेक्स्ट वी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर से एक दो तीन चेन लेंगे और हम यहाँ पर देखिए इस वी को छोड़ देंगे और नेक्स्ट वी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन चेन फिर से वन डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से ये हमारा बना है अब देखिए आगे फिर से बनाएंगे तीन चेन लेंगे एक दो तीन धागा लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमने दो चेन बनाई थी यहाँ पर हम वी बनाएंगे वन डबल क्रोशिया फिर से वन डबल क्रोशिया एक दो तीन चेन लेंगे धागा लेंगे अब हम यहाँ पर वी बनाएंगे फिर तीन चेन लेंगे फिर हम यहाँ पर वी बनाएंगे सेम ऐसे ही बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर वी बनाई थी सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया एक दो तीन फिर हम यहाँ पर बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से तो बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे और देखिए फिर राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसमें सेकेंड रो बनाएंगे वी के अंदर हम वी बनाएंगे और यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे फिर इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर दो चेन बनाएंगे और हम यहाँ पर वी बनाएंगे देखिए जैसे हमने जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम ऐसे ही हम तीन रो यहाँ पर यानि छः रो हम टोटल बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम गले पर किनारे बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से बनाएंगे तो राउंड कंप्लीट कर ले देखिए नीचे का पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है इसमें हमने छः रो बनाई है एक दो तीन चार पाँच छः छः रो बनाने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है अब हम इस पर देखिए यहाँ पर किनारी करेंगे वो किस तरह से तो देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने तीन रो बनाई थी ये जो हमारी नीचे की है ये जो हमने छः रो बनाई है इन यहाँ तक देखिए यहाँ तक यहाँ तक हम सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो बनाते हैं देखिए एक दो तीन तीन रो तक हमें बनाना है यहाँ पर हम दो चेन लेंगे हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के लिए धागा लेंगे और पहले पर हम देखिए जो ये हमारी वी है इसके अंदर बनाएंगे एक हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया है एक हमने ये दो चेन ली हैं तो यहाँ पर हमारा दो हो गया धागा लेंगे नेक्स्ट वी के अंदर जाएंगे और फिर से हम हाफ़ डबल क्रोशिया धागा लेंगे फिर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया ये दो हो गए फिर से धागा लेंगे नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पर भी हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर से धागा लेंगे, लेंगे नेक्स्ट में जाएंगे फिर से देखिए इस तरह से फिर से धागा लेंगे फिर बनाएंगे यहाँ पर हम एक दो यहाँ पर यहाँ तक देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम इसमें सिंपल बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया लेंगे सॉरी सिंपल धाग लिंक बनाएंगे यहाँ पर हम बीच में आएंगे सिंपल बनाया एक दो तीन चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चेन लेंगे नेक्स्ट वी के अंदर जाएंगे सिंगल क्रोशिया फिर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन चेन बनाएंगे फिर सेम वी के अंदर हम फिर से सिंगल क्रोशिया एक दो तीन फिर से नेक्स्ट वी के अंदर जाएंगे एक दो तीन फिर से सेम प्लेस पर हम इसे जॉइंट करेंगे एक दो तीन चेन लेंगे नेक्स्ट वी में जाएंगे और हम फिर से सिंगल क्रोशिया एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे ये वी के अंदर हमें इस तरह से लूप बनाने हैं तो हम ये बनाते हुए यहाँ यह तक आ जाएंगे देखिए ये यहाँ तक हमने ये जहाँ पर गला घटाया था यहाँ पर नहीं बनाना है जहाँ पर तक हमारी वी है वहां तक हम बनाते हुए आएंगे देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं अब हम इसमें देखिए गले पर बनाएंगे तो ये जो हमने ये पांच चेन बनाई थी इसके अंदर हम चार बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार चार बार बनाया फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे एक दो तीन चार चार बार बनाया फिर से धागा लेंगे नेक्स्ट में जाएंगे एक दो तीन चार धागा लेंगे नेक्स्ट में जाएंगे एक दो तीन चार फिर से एक दो तीन चार देखिए यहाँ पर आ गए है यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर भी हम चार बार बनाएंगे एक दो तीन चार देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से ये बन गया है अब हमारे यहां पर ये यह जो पैटर्न है यहाँ पर हम देखिए धागा लेंगे और जो ये हमारे चार डबल हैं इनके अंदर हम एक एक बार हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन चारों के अंदर हमें एक एक बनाया फिर धागा लेंगे यहाँ पर दो चेन है तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे एक बार बनाया फिर से चार आ गई तो हम यहाँ पर भी चार के अंदर हम चार बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर से धागा लेंगे देखिए इस तरह फिर यहाँ पर ये हमारी पांच चेन थी तो यहाँ पर हम चार बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार फिर से धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर बनाएंगे चार बार हाफ डबल क्रोशिया फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे धागा लेंगे ये चार डबल क्रोशिया आ गया है तो इनमें हम हर एक चेन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार देखिए ये हमारा बन गया है गले पर देखिए ये किनारी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम देखिए बैक के पार्ट में हैं और बैक के पार्ट में ये हमारी वी है ये जितने भी वी है इनके ऊपर हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे तीन चेन लेंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर तीन चेन बनाएंगे बैक के पार्ट में हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था तीन चेन लेनी है वी के अंदर आना है और फिर से तीन चेन बनानी है और फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे फिर इसके बाद देखिए ये हमारा ये फ्लावर का पैटर्न आएगा तो इनमें हम चार चार बार सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर देखिए हमने यहाँ तक ये यह गला घटाया है तो यहाँ पर भी हम चार चार बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और नीचे भी हम इसी तरह से लूप बनाएंगे यहाँ पर हम बीच में तीन चेन लेंगे फिर हम तीन चेन बनाएंगे और वी के अंदर हम अटैच करेंगे जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही हमें वहाँ पर बनाना है बनाकर हम कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए जैकेट हमारी बनकर कम्प्लीट हो चुकी है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है देखिए बहुत ही प्यारी हमारी ये जैकेट बनी है देखिए इसका फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है और इसका बैक देखिए और देखिए बैक इसका इस तरह से बनकर आया है देखिए बहुत ही प्यारी हमारी ये जैकेट बनी है देखिए जैकेट तो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसका लुक भी कुछ इस तरह से बनकर आया है अगर देखिए ये हमने हाफ जैकेट बनाई है अगर आप इसमें फुल जैकेट बन, कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो इसमें फुल कार्डिगन भी बन जाएगा इसमें जो पैटर्न हमने यहाँ पर डाला है से वैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे और इसमें हम देखिए यहाँ पर हमने ये वी बनाई है इस वी के अंदर हम एक वी बनाएंगे एक छोड़ देंगे फिर एक में बनाएंगे एक छोड़ देंगे इस तरह से हम वी बनाते हुए इसमें ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे और बहुत ही प्यारी हमारी ये बनकर आएगी और बाजू की शेप भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू